शनिवार को आरपीएफ नागपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर द्वारा दी गई सूचना व भेजे गए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर आरपीएफ स्टाफ ने चेन्नई से ट्रेन नंबर 12578 से यात्रा कर रहे चार आरोपियों से तमिलनाडु के त्रिपुर से चोरी किया गया 3 किलो सोना, 28 किलो चांदी व 14,52,000 रुपए नकदी, ऐसा कुल 2,10,00,000 का सोना चांदी नकदी बरामद किया है। आज सुबह को वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर श्री आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर द्वारा दी गई सूचना व भेजे गए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अनुसार चार संदिग्ध व्यक्ति त्रिपुर में सोने की दुकान से सेंधमारी कर त्रिपुर से चेन्नई व चेन्नई से ट्रेन नंबर 12578 से दुकान का सोना चांदी व नकद रुपए चोरी कर जा रहे थे। उक्त सूचना के आधार पर निरीक्षक बल्लार शाह एम के मिश्रा व निरीक्षक चंद्रपुर नवीन प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक प्रवीण महाजन, उपनिरीक्षक प्रवीण गाड़वे और टीम के साथ साथ बागमती एक्सप्रेस के बल्लार शाह प्लेटफॉर्म नंबर 05 पर ट्रेन के अंदर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहे चार संदिग्धों की तलाश की गई। तलाशी के दौरान एक संदिग्ध S7 कोच में तो दूसरा S9 कोच में, तीसरा ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से भागते हुए एवं चौथा संदिग्ध AC3 बर्थ पर लेटा हुआ मिला। बैग में पाए गए सोना चांदी जो कि प्लास्टिक की थैलियों में भरे हुए थे, जिन्हें थैलियों से आजाद कर वजन किया गया, जिसमें 3,306.710 ग्राम सोना, अंदाजन कीमत 1,76,57,831.40 रुपए, 27,972 किलोग्राम चांदी जिसकी अंदाजन कीमत 19,58,040 रुपए तथा 14,52,100 रुपए नकद पाए गए। इस प्रकार कुल मुद्देमाल की कुल कीमत 2,10,67,971 है। आरपीएफ द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही एवं आरोपियों को मुद्देमाल के साथ पकड़ने के लिए तमिलनाडु पुलिस आयुक्त द्वारा प्रशंसा की गई है। आज सुबह करीब 9 बजे हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे सर ने मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो और फोटोज भेजी और उन्होंने बताया कि चार संदिग्ध लोग जो चेन्नई रेलवे स्टेशन पर जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है, वो चेन्नई के पास से ही एक ज्वेलर साहब का सोना चांदी और रुपए लेकर के ट्रेन नंबर बागमती एक्सप्रेस से जा रहे हैं। आप एक टीम बना करके और आईपीएफ चंद्रपुर की मदद से उनको तलाश करें। ट्रेन लगभग 9:47 पर बल्लारसा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई। मैं, मेरे साथी इंस्पेक्टर चंद्रपुर नवीन प्रताप सिंह और 10-12 स्टाफ अलग अलग टीम बना करके ट्रेन के सभी डब्बों में तलाशना चालू की। पहला व्यक्ति हमें S7 में, दूसरा S8 में, तीसरा S10 में और चौथा व्यक्ति हमें AC कोच में मिला, एवं उनके बैग भी जो CCTV में दिखाई दे रहा था कि उनके पास जो बैग और थैली है वो अलग अलग कोचों के अलग अलग सीटों के नीचे छुपा कर रखा था। उनसे तुरंत कुछ मिनट में ही पूछताछ करके और पूरा प्रयास करके पूरे स्टाफ ने पूरी शिद्दत से और तलाश किया और उनके पास से 5 पिट्ठू बैग और 2 नीले और पीले रंग की प्लास्टिक की गोनियां मिली। उनको उतार करके थाने पर लाए और पंचों को बुला करके उनके समक्ष चेक किया गया तो 3 पिट्ठू बैग में उनके पहनने के कपड़े, 2 पिट्ठू बैग में और 2 गोनियों में सोना चांदी और रुपए बरामद हुए। उसको हमने अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद करीबन 3,306.710 मिलीग्राम सोना जिसकी कीमत अंदाजन 1,76,57,831 रुपये, 27.972 किलोग्राम चांदी जिसकी कीमत 19,58,040 रुपये एवं 14,52,100 रुपये कैश बरामद हुआ। इनकी कुल मुद्देमाल की कीमत 2,10,67,971 रुपये 40 पैसे है। इस संबंध में Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।